वहीं छत्तीसगढ़ में शहीद शशिभूषण तिर्की का पूरे सम्मान के साथ रांची में अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले एयरपोर्ट से शहीद के पार्थिव शरीर को सीआरपीएफ के 133 बटालियन के कैंप में ले जाया गया, जहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों ने श्रद्धांजलि देने के बाद परिजनों का ढांढस बंधाया। राज्यपाल ने कहा कि नक्सलियों की कायराना हरकत से जवानों के हौसले टूटने वाले नहीं। वहीं सीएम ने कहा कि उन्हें झारखंड के लाल की शहादत पर गर्व है, सरकार शहीद के परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। बात करूंगा क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और वहां की नक्सलाइट गतिविधियों के बारे में भी जानता हूं, और हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी बात करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोग प्रयास करिए। आज तिर्की जी के, स्वर्गीय तिर्की जी के आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे, और हमें गर्व है कि हमारे झारखंड के जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं। जवानों का मनोबल कभी नहीं घटता, बल्कि और वो अपने आप को मजबूत करते हैं, और ऐसे तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मानवता के रूप में दुख इस बात का है, परिवार का एक सदस्य अचानक हमें छोड़ जाता है और दुनिया अंधकार में दिखता। पूरी सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ा है, हर घड़ी हर वक्त उनके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं।